नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तिलक न्यूज में। बिना किसी देरी के रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों का। 7 चरणों में होंगे देश भर में चुनाव। 19 अप्रैल से 1 जून तक होंगे मतदान। 4 जून को नतीजे होंगे जारी। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे चुनावी रैली। आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नई दिल्ली में करेंगे रामनाथ गोयनका अवार्ड वितरण। जर्नलिज्म समेत स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट एवं 17 वर्गों में प्रतिष्ठित लोगों को किया जाएगा सम्मानित। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया सीरीज का हुआ ऐलान, पर्थ में होगा पहला मैच। होली के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच चलेगी 13 जोड़ी ट्रेन। कुल मिलाकर 64 जोड़ी स्पेशल ट्रेन देश भर में चलाई जाएंगी। राष्ट्रपति ने तेलंगाना की राज्यपाल डॉक्टर तिलमिसाई सुंदर राजन का इस्तीफा स्वीकार किया। हरियाणा में नायब सिंह सैनी कैबिनेट का आज शाम 4 बजे तक हो सकता है विस्तार। तमिलनाडु में बीजेपी और पीएम के शाम 7:30 बजे तक गठबंधन और सीट बंटवारे पर करेगी हस्ताक्षर। सीएए और उसके नियमों के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। सीडीएस अनिल चौहान ने कहा कि चीन का बढ़ता वर्चस्व और अस्थिर सीमाएं भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती। देश दुनिया और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जुड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए तिलक न्यूज के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार।